बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कशफुल महजूब में रवायत करते हैं कि जिस रात हज़रत ज़ुन्नून मिस्री का इंतकाल हुआ, किसी को ख़बर न थी कि आज रात इनका इंतकाल हो गया है। इसे एक रात शहर बगदाद के 70 औलिया को ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और हर एक ने देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगदाद तशरीफ़ लाए हैं। ख्वाब में हर वली ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कैसे तशरीफ़ लाए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुन्नून मिस्री की वफ़ात हुई है, इनकी रूह के इस्तकबाल के लिए आया हूँ। दुनिया दाड़े मार कर रोती हुई सुबह उठी तो इनको खबर हुई कि ये ज़ुन्नून मिस्री किसी मकाम और मरतबे के हामिल थे, मगर वो दुनिया से जा चुके थे। और जब लोग इनके घर पहुँचे तो नूर के कलमा से इनकी पेशानी पर लिखा था, खाना हबीबुल्लाह मातफी हुबिल्लाह, अल्लाह का आशिक था और इसी के इश्क में वफात पा गया, अल्लाह का महबूब था और इसी की मोहब्बत में विसाल फरमा गया। सख्त गर्मियों के दिन थे, इनका जनाजा उठाया गया, अतराफ़ अकनाफ से हज़ारों लाखों परिंदे जमा हो गए और उन्होंने पर जोड़ कर साइबान बनाकर साया कर दिया। अल्लाह चाहता तो बादलों के ज़रिए ही साया कर देता, मगर बादलों से साया करता तो कई ना मानने वाले कहते कि बादल तो आते ही रहते हैं, मगर अल्लाह ने बादलों के ज़रिए साया नहीं करवाया बल्कि परिंदों के ज़रिए इस तरह साया करवाया कि इन परिंदों ने परों से पर मिलाकर साइबान बना दिया। नीचे ज़ुन्नून मिस्री का जनाजा जाता था और ऊपर परिंदों का साइबान चलता था।